सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन्फिनिक्स की तरफ से लेटेस्ट बैंड जो कि इन्फिनिक्स एक्सबैंड 3 है ये लॉन्च कर दिया गया है और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और मैंने इस पर एक रिव्यू भी बनाया था जिसको बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया और बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं किया। अब जिन्होंने नहीं किया, जब मैंने यूट्यूब पे जाके एनालिटिक्स में चेक किया तो रीजन ये थी कि वो किसी और कंट्री से थे, तो बस इस वजह से उन्हें उर्दू की समझ नहीं आ रही थी तो वो उर्दू की वजह से डिसलाइक करके चले गए। तो बाकी उस वीडियो में कंप्लीटली बात नहीं कर सका था, तो मैंने अभी रिसेंटली Infinix Xband 3 पे एक सर्च की, बल्कि सर्च आप छोड़े, मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया वो ये कि क्या इसका जो ब्लड प्रेशर मोनिटर है वो वर्क करता है या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके सेंसर के बारे में और ये बताऊंगा कि क्या ये बिल्कुल सही एक्यूरेट वर्क करता है और बाकी Infinix Xband 3 में मुझे क्या सही लगा और क्या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके इसको ग्रे कर दीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Infinix के Xband 3 की, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसकी बैक पे आपको एक सेंसर देखने को मिल जाता है और ये सेंसर वर्क करता है या नहीं ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो ये कि जब मैंने इसका बीपी मॉनिटर किया और जब मैंने इसका बीपी जो है एक्चुअली बीपी ऑपरेटर से मॉनिटर किया अपना ही, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस एक मामूली डिफरेंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, खासतौर पर कि जब कंपनी क्लेम कर दिया कि इससे आप बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर की तो बात होगी, तो चलिए देखते हैं इसके फुट काउंट्स, जो इसके फुट काउंट्स हैं वो बिल्कुल सही एक्यूरेट वर्क करते हैं। मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, बल्कि मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट एक मंथ से ज़्यादा हो गया, तो इसका जो फुट काउंट है वो बिल्कुल सही और एक्यूरेटली वर्क करती है, बिल्कुल से कनेक्ट सही होता है। और समटाइम्स जब आप पहली दफ़ा इसको कनेक्ट करते हैं या अपनी वॉच को रीसेट करने के बाद कनेक्ट करते हैं तो समटाइम आपका बैटरी ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। अब जहाँ तक इसके बैटरी बैकअप की बात है तो इससे आपको तकरीबन एक वीक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, 7 डेज का नॉर्मली देखने को मिला है। अगर मैं इसको बहुत कम यूज़ करूँ तो तकरीबन 10 डेज तक का बैटरी बैकअप मिलता है, 20 डेज का बिल्कुल भी बैटरी बैकअप नहीं मिलता। और बाकी अगर इसकी बात करें कि इससे आप कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, जिनमें बीपी मॉनिटर है, हार्ट रेट मॉनिटर है। अब मेरा ख्याल है कि जब बीपी ही बिल्कुल सही एक्यूरेट नहीं करता तो जो हार्ट रेट है वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली मॉनिटर नहीं करेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका इस बैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएगा। अभी आपको Infinix लाइफ की नई जो अपडेट है वो देखने को मिल गई है, जिसके साथ आप Xband को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके। तो अगर आपने अपडेट नहीं की तो आप उस एप्लीकेशन को भी अपडेट कर लीजिए। और बाकी जहाँ तक इस वॉच की प्राइस की बात है तो ये आपको 1800 में पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। अब ये बैंड जो है ये 3rd बैंड है Infinix का और ये काफ़ी अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है। बट इसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बीपी मॉनिटर का, दूसरा इसकी बैटरी लाइफ जो कि तकरीबन 7 डेज निकालती है, और इसका जो चार्जर है वो एक ऐसा चार्जर है जिसको आप कैरी नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ में अगर आप देखें तो आपको इस वॉच के पैनल पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो ये कि जब आप इसको डे लाइट में यूज़ करते हैं तो आपको जो इसकी स्क्रीन है वो अलग से नज़र आती है स्मार्ट बैंड की। और बाकी ओवरऑल देखें कि आप अगर आपने सिर्फ एज अ वॉच यूज़ करना है तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मुझे वॉच पहनने का शौक है तो मैं ये बैंड यूज़ करता हूँ, क्योंकि कूल लगता है, डिसेंट लगता है और साथ में आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। एज यूजुअल वीडियो देखने का शुक्रिया, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।